तो चलिए फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, जिसे कहते हैं चोखा। दोस्तों इसे भरता भी कहते हैं, जिसे हम लिट्टी के साथ खाते हैं, बाटी के साथ खाते हैं या इंडियन फूड में किसी के साथ भी खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चोखा हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में स्वाद और सेहत से भरपूर है, जिसका नाम है लिट्टी चोखा। फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग ढंग से चोखा बनाया था। आज मैं आपको ये चोखा बनाने की स्टाइल एकदम डिफरेंट बताऊँगी। सबसे पहले मैंने बैंगन लिए हैं, मैंने गोल आकार के बड़े बैंगन लिए हैं। मैंने उनको बीच से कट लगा कर देख लिया कि कुछ भी कीड़े या कुछ ख़राब बैंगन तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अंदर डाल दिए हैं। दोस्तों, अगर आप लहसुन को ना पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप लौंग को भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, लौंग से भी फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। सभी बैंगन में लहसुन लगा लेने के बाद में मैं ऊपर से इसमें सरसों का तेल लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बैंगन भून करके बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। चलिए अब गैस जलाते हैं। मैंने गैस के ऊपर एक जाली रख दी है, उस पर मैं बैंगन को रख दूँगी और बैंगन के पक जाने तक उन्हें भूनूंगी। मैंने दूसरी गैस में भी बैंगन को रख दिया है, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए। दोस्तों, आप बैंगन को अलट पलट के हर तरफ से सेकते रहिए। फ्रेंड्स, ये चोखा बहुत लाजवाब बनेगा, मेरे तरह से आप बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टाइम कम बचे इसके लिए मैंने सभी गैस में एक एक बैंगन को रख दिया, जिससे कि जल्दी बन जाएगा। सभी तरफ से बैंगन को अच्छे ढंग से सेक लें। फ्रेंड्स, वैसे तो ये चोखा और लिट्टी बिहार में खाया जाने वाला पकवान है, लेकिन अब ये पूरे हिंदुस्तान में खूब खाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें चोखा बनाने की स्टाइल अलग थी। फ्रेंड्स, ये चोखा आप बनाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, बैंगन के भुन जाने के बाद में मैंने टमाटर लिए हैं, उनमें मैंने कट लगा लिया, उसे भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी जैसे मैंने बैंगन को सेका था। फ्रेंड्स, आप ऊपर से ऑयल लगा लीजिएगा, मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, इसलिए मैं अब ऑयल लगा रही हूँ। टमाटर को आप बहुत धीमी आंच में भूनिए, क्योंकि ये बैंगन से ज़्यादा टाइम लेते हैं भुनने में। फ्रेंड्स, आप इन्हें बिल्कुल काला करके भूनिए, ये मत सोचिएगा कि ये जल गए हैं, ऊपर का छिलका एकदम काला हो जाएगा, मतलब कि ये अच्छे तरह से भुन गए हैं। देखिए, बैंगन और टमाटर भुन करके एकदम अच्छे हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, अब मैं इन्हें छील लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लिट्टी को भी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे पहले की वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आसानी से आप उस रेसिपी तक पहुंच सकते हैं, लिट्टी बहुत अच्छी बनेगी, आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में लिट्टी चोखा, पकौड़े, पकवान, यही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने अपने चैनल पर सभी चीज़ों की रेसिपी शेयर की हुई है, मेरे चैनल को आप विज़िट कीजिए, कई तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और बहुत अच्छी भी हैं। बैंगन और टमाटर को अच्छी तरह से छील लेने के बाद में मैं उन्हें फोर्क से मैश कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने डाले हैं उबले हुए आलू, अगर आप आलू को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने डाला है बारीक कटा हुआ अदरक, मिर्च और धनिया। इसके बाद मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। दोस्तों, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने डाला है स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, थोड़ी सी हींग लगभग 3 से 4 चुटकी, और मैंने डाला है 2 नींबू का रस। दोस्तों, इसमें नींबू के रस से बहुत ही टैंगी फ्लेवर आता है, मज़ेदार बन जाता है ये चोखा। चलिए, चोखे की जान देसी घी। फ्रेंड्स, बहुत लोग सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने गाय का शुद्ध देसी घी यूज़ किया है, इससे इसका स्वाद लाजवाब होगा, रेसिपी शानदार होगी। दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब मैं जाती हूँ नई रेसिपी बनाने। टेक केयर, बाय बाय।